हेलो प्यारे बच्चों, आज हम फिर से इस कहानी को पढ़ेंगे। इस कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा आज हिंदी का जो हिंदी की कहानी है उसका शीर्षक है हवा हवाई। ठीक है। आज सुबह से ठंडी हवा चल रही थी। हनी जैसे ही स्कूल के लिए निकला, वह हवा में उड़ने लगा। पहले तो वह डरा, फिर उसे उड़ने में मजा आने लगा। ठीक है। उसे आसमान में उड़ना अच्छा लग रहा था। आसमान से उसे सब कुछ छोटा छोटा दिख रहा था। तभी उसने कुछ कबूतरों को उड़ते हुए देखा। वह भी उनके साथ साथ उड़ने लगा। अब उसे और अच्छा लगने लगा। तभी हनी की नज़र स्कूल जा रहे अपने दोस्तों पर पड़ी। हनी ने जोर से आवाज लगाई, टीटू, सोनी, हिना, जॉय। लेकिन उसके दोस्तों तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पाई। हनी जल्दी से स्कूल पहुंचकर सारी बात अपने दोस्तों को बताना चाहता था। उसने अपनी उड़ान की गति बढ़ा दी। तभी उसे किसी ने झंझोड़ डाला। हनी जल्दी उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है। दीदी ने उसकी चादर खींचते हुए कहा। हनी ने आंखें खोलते हुए कहा, अरे दीदी, आप मुझे एक मिनट मिनट और नहीं उठाती तो मैं आज उड़कर स्कूल पहुंच जाता, मगर अब तो पैदल ही स्कूल जाना पड़ेगा। उसकी इस बात पर दीदी हंसने लगी। तो आपने देखा, हमने एक कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ना सीखा। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही और वीडियो देखना तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप हिंदी पढ़ना सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगती है।